इसको कहीं ना कहीं उस पायरेट्स को वहां से भगा देती है बिकॉज ऑफ इट्स अटेम्प्ट तो इसको थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक पार्ट होता है और वी आर डिस्कसिंग दिस क्योंकि ऐसे काफी सारे अटेम्प्ट है ऐसे हो रहे ओके और पिछले भी कुछ न्यूज में मैंने आपको काफी डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि रेड सी में किस तरीके से ऐसे अटैक्स एक्चुअली हो रहा है ओके फिर रिसेंट जीडीपी डी एस्टिमेट्स के बारे में हमें बात करनी है और उसमें उस एस्टिमेट्स उस के थ्रू कुछ बेसिक्स जो है जीडीपी एज अ एस कॉन्सेप्ट के बारे में

ओके okay, फाइन और फिर उसके बाद वहाँ फिजिकली वहां आपका वो जो सिक्योरिटी पर्सन होता सी है सी के जो पर्सन होते हैं आपको चेक करता आईडी कार्ड और टिकट और फिर आपको अंदर जाना पड़ता है ओके okay? तो इसमें क्या होता है है कि काफी बार बड़ी क्यूज क्रिएट हो जाती स्पेशली जब ज्यादा ट्रेवलिंग सीजन होता है लेट्स से न्यू ईयर यू पे हो क्रिसमस पे हो दिवाली पे हो बाकी इसमें हो, काफी बड़ी क्यूज क्रिएट होती है वेयर दे सी ईच एंड एवरी पैसेंजर्स आईडी कार्ड टिकट और फिर हर एक को अंदर भेजा जाता है ओके तो इसका सोल्यूशन जो है ये देता है डीजी यात्रा ओके दैट इज गिवन बाय द डीजी यात्रा ऐप ऐप तो डीजी यात्रा में क्या होता है वी विल हैव टू डाउनलोड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप ऐप इस आप में आप करने के बाद आपको आपकी कुछ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करनी पड़ती है जैसे आपका फेशियल रिकॉग्निशन मतलब एक फेस जो आपको दिखा के एक आपका इसमें फेस आईडी क्रिएट होता है ठीक है तो आपका फोटो ये लेता है ऐप फेशल रिकोगशन यहाँ स्टोर किया जाता है फिर आपका कोई आई जो है ये आपको यहाँ स्टोर करना पड़ता है लेट से आधार कार्ड ओके और फिर एवरी टाइम यू विल ट्रेवल तो आपका जो बोर्डिंग पास होता है ये बोर्डिंग पास आपको इसमें अपलोड करना होता है ओके प्लेन का जो बोर्डिंग पास होता है इसमें अपलोड करना होता है सो जैसे ही आप ये ऐप में ये तो आपका वन टाइम होगा सारा फेस आईडी और आपका जो भी आईडी होता है आइडेंटिटी कार्ड ये सब कुछ बोर्डिंग पास हर बार आपको अलग अलग जैसे ही आप एरोप्लेन होता है आपका उस तरीके से आपको अपलोड करना पड़ता है व्हेन यू गो टू एयरपोर्ट तो फिर वहां आपको सीआईएसएफ जवान को कुछ दिखाना नहीं होता है फिर कि आईडी डी या टिकट कुछ नहीं करना होता है जस्ट एयरपोर्ट पे जाओ देर विल डीजी यात्रा एप में एक क्यू आर कोड जनरेट होता है ये क्यू आर कोड आपको बस वहां स्कैन करवाना होता है ओके और आपका फेस भी वहां उनका जो मशीन होता है रिकोगनाइज कर लेता है फेस आपका ओके क्यू आर कोड भी से ही आपका आई डी वगैरह सब ले लेता है उससे समझ आता है और आप सीधे एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो तो जो क्यूज़ क्यूज़ होती है ये क्यूज में खड़ा रहना जो है ये टाइम आपका बच जाता है, है एयरपोर्ट पे तो उस वक्त ये काफी फास्ट प्रोसेसिंग, यहां होती है। okay, तो ये पेपरलेस, प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर डीजीआत्रा ऐप है और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डीजीआट्रा फाउंडेशन एक ज्वाइंट वेंचर याद रखना है और ये डीजा यात्रा फाउंडेशन इज वेंचर ऑफ होम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके पास इसके ट्वेंटी है और बाकी कुछ एयरपोर्ट्स है बेंगलुरु एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट हैदराबाद मुंबई एंड कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंबाइंड इनके है सेवेंटी सिक्स परसेंट स्टेक ओके एंड दे आर एक्चुअली रनिंग दिस पर्टिकुलर डीजी यात्रा फाउंडेशन दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दी वी कैन से इको फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर डीजी यात्रा उसका ऐप उसका बैक एंड सिस्टम जो है मेमोरी सिस्टम है

ओके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है प्लीज आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन ओके तो ये क्वेश्चन वन लेट से आप ऐसा क्वेश्चन वन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आगे उसका आंसर लिखेगा जो भी आपका होगा एबीसीडी आंसर ओके चलिए लेट्स गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन हो रही है नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेवी थॉट्स दी हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन द अरेबियन सी ओके तो ये small news है बस, as example, आप इंटरनल सिक्योरिटी हो या आपको थोड़ा सा होना चाहिए इसे news के बारे में that's why I'm taking okay, वैसे इसको डिटेल में सी और आज कल क्यों ऐसे अटैक्स बढ़ रहे इसके बारे में हमने पहले देखा भी है हमारे क्लास में सो so, अब ये क्या हुआ है बेसिकली कि जैसे मैंने पहले भी कवर किया था कि देर वॉज दिसंबर ट्वेंटी ओके देर ऑज अ शिप नेम क्लेम केम टूटो

जिसमें आपको दिखता है कि देयर इज अ शिप लीला नॉरफोक ओके ये लीला नॉरफोक नाम का एक शिप है एंड दिस शिप वाज गोइंग फ्रॉम ब्राजील ये ब्राजील से जा रहा था कहाँ पे बहरीन में और जब ब्राजील से बहरीन में जा रहा था तो सम पायरेट्स ट्राइड टू अटैक दिस कुछ पायरेट्स ने इस पे अटैक करने का उस वक्त ट्राई किया ओके okay. और जैसे ही पायरेट्स ने इस पर्टिकुलर शिप पे अटैक करने का ट्राई किया तो शिप का जो होता है ये सॉर्ट sort ऑफ of एक स्ट्रॉन्ग रूम होती है शिप की स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ द शिप जिसपे बाहर वाले किसी को एंटर करना काफी डिफिकल्ट होता है तो एक स्ट्रॉन्ग रूम होती है शिप की जहां ये सारे वो जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए चले गए और फिर इस रॉन्ग रूम में आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है वहां से वो आउटसाइड कम्युनिकेट भी कर सकते हैं बाकी सारा कनेक्शन आउटसाइड से टूट जाता है शिप में लेकिन कम्युनिकेशन भी वो कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं इंडियन नेवी को पता चला कि दे आर बींग अटैक्ट ओके तो हमारे मार्कोस कमांडोज ओके जो हमारे मरीन कमांडोज है देन आई चेन्नई हमारा जो वॉरशिप है ओके और इसके साथ साथ मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है ऑल दिस पीपल काइंड ऑफ वर्क टुगेदर और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उन पायलट्स को वहां से भगा दिया उनको एक फोर्सफुल वार्निंग दी गई कि दैट यू शुड नॉट अटैक दिस पर्टिकुलर शिप और इस फिर शिप को रेस्क्यू किया गया ओके okay? तो जितने भी ट्वेंटी वन क्रू में थे इस शिप में देवर ऑल रेस्क्यू नाउ इवेक्यूटेड नाउ लीला नोफोक नाम का दिस वॉज एक् शिप ओवर हिस्सा

उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड सेवन सेवन फर्स्ट हाफ में ओके, okay. और सेकंड हाफ में कहा कि टोटल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है विच विल बी ऑन हायर साइड फ्रॉम दी इयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज ओके वो उनका एस्टिमेट है इतना याद रखिएगा अभी तक फिनाइल फाइनल फिगर तो आपको थर्टी फर्स्ट मार्च का जब डेटा लास्ट क्वार्टर का आएगा उसके बाद ही हम पता कर डेटा तो का तो हमारे पास डेटा है और ये, figure, okay? so थोड़ा आपके पास होना चाहिए दूसरा चीज है अकॉर्डिंग टू देम होगा इंडियन इकोनॉमी का फॉर दिस ईयर 2023-24 ये होगा अराउंड सेवन ये होगा अराउंड सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट ओके और नॉमिनल जीडीपी जो होगा देखिए जनरली आप जो जीडीपी फिगर्स जो होती है गवर्नमेंट की ये सारे रियल जीडीपी की फिगर्स होती है फॉर इफ सेइंग कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट 7.3 पॉइंट थ्री परसेंट इन दिसंशियल तो ये रियल जीडीपी था ओके लेकिन नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड इस ईयर के लिए होगा अराउंड एट ओके फाइन तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी और इन सब में क्या फर्क है विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग अब जीडीपी बेसिकली क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बेसिक लेवल पे अगर मैं बताऊं आपको व्हाट इज जीडीपी जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इसको थोड़ा सा याद रखिएगा काफी स्टूडेंट्स को जीडीपी का कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ लिया क्लास में लेकिन ये पता नहीं होती है कि जीडीपी क्या होता है इट्स अ मार्केट वैल्यू

तो उस वन ईयर में जनरली जितने भी फाइनेंस एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं ओके इन योर कंट्री उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है है ये होता है आपका जीडीपी ओके okay, तो ये कहा प्रोड्यूस होना चाहिए आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन प्रोड्यूस कर रहा है मैटर नहीं करता ओके okay, फॉरनर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडियंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी प्रोड्यूस कर okay, लेकिन आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में यहां प्रोड्यूस होना चाहिए ओके okay, और उसकी मार्केट वैल्यू मीन वॉट जीडीपी मनी टर्म्स में कैलकुलेट करते हो डॉल्स में रुपीज में इसमें कैलकुलेट करते हो ना आप ऐसा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते जी डी पी की लेट से टेन थाउजेंड कारोड्यूस नहीं था प्रोड्यूस ईयर और ये सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते सबको मनी टर्म्स पे कन्वर्ट करना होता है सो so, इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट वैल्यू होती है किसकी होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ओके okay. और कहा प्रोड्यूस होते हैं ये सारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री

तो वो है यूएसए में लेकिन वो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाता है तो वहां जो कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो इंडियन जीडीपी का पार्ट बनते हैं तो ऐसे बाकी भी एस्पेक्ट्स होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता लेकिन एक बेसिक मैंने आपको चीज बता दी कि इकोनॉमिक टेरिटरी अलग होती है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ओके फाइन और ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन द प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट जितना भी जीडीपी आपके कंट्री में होता है उसमें आप सब्सिडी जितनी दी गई है मैन्युफैक्चर को उसको एड कर दीजिएगा और टैक्सेस उसमें माइनस कर दीजिएगा है, है। तो के 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 मतलब, अगर इकोनॉमिक आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है तो हम जनरली जीडीपी के टर्म्स में उसको कंपेयर करते हैं। कि उनका जीडीपी कितना है इंडिया का जीडीपी कितना है ये सारी चीजें और ये जीडीपी जो होता है इसमें बिकॉज टैक्सेस भी होते हैं कहीं ना कहीं ठीक है तो ये जीडीपी हमें देता है डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है कंज्यूमर साइड पे कैसे है ये कहीं ना कहीं हमें जीडीपी बताता है लेकिन प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पता करनी है तो होता है GVA. ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देता है ओके दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट इज जीवीए जीवीए ओवर हियर ओके तो GVA का अगर सेक्टर वाइज ब्रेकअप किया जाए लेकिन एग्रीकल्चर का जीवीए कितना है इंडस्ट्री का जीवीए कितना है टूरिज्म का एक्चुअल रेट से जीवीए कितना है तो वो काफी हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए उसको आपको सेक्टर वाइज ब्रेकअप इसका कर सकते हो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसमें आपके टैक्सेस नहीं रखे तो उसका कोई एडिशन नहीं होता है कॉस्ट का तो लेट्स से एग्रीकल्चर जीवीए अगर हमें पता चले तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग कैसे पॉलिसीज क्रिएट करनी है ये गवर्नमेंट को पता चलता है ओके okay? तो जीवीए और जीडीपी में वही डिफरेंस है कि जीडीपी इज कंसिडर की इकोनॉमिक जो आउटपुट है कंट्री का कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड साइड देखता है

तो लेट से 2022 ईयर में 10 पेन प्रोड्यूस हुआ ओके okay. तो so 10 पेन की टोटल कितना कॉस्ट है ये कैसे ये हमें कैलकुलेट करना होगा तो so प्राइस उसके कैलकुलेट करनी होगी तो so प्राइस हमें 2022 की नहीं लेनी है यहाँ पे बेस ईयर में उस पेन की कितना प्राइस था लेट से बेस ईयर में उस पेन का प्राइस सेवन था तो टेन इंटू सेवन सेवेंटी ये हुआ आपका रियल जी इसमें हमने करंट प्राइजेस नहीं लिए इन्फ्लेशन नहीं लिया बेस ईयर का प्राइजेस लिया ओके okay. अगर इसी को लेट से टेन इंटू मै ट्वेल्व कर दू अगर मैंने कहा कि नहीं ये तो सेवन रुपीज पेन बेस ईयर में था 2020 में जाके तो जाकर उसको ट्वेल्व रुपीज कॉस्ट हुई है तो फिर नॉमिनल जी होगा 120 ट्वेंटी ओके क्योंकि इसमें करंट वैल्यू जो है इसमें ये कर दिया ओके okay. तो नॉमिनल जी इज नॉट अ राइट थिंग टू कैलकुलेट क्यों तो क्योंकि नॉमिनल जी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें फिर आप प्राइज राइज भी देखते हो तो रियल वैल्यू आउटपुट कितना बड़ा है वो आपको समझ में नहीं आता ऐसा हो सकता है ना आप यहां देखिएगा आउटपुट तो टेन ही था 2022 में ओके okay. और उसकी वैल्यू सेवनटी आ गई बिकॉज बेस अब आगे जाके और उसी की ट्वेल्व तो, तो प्राइजेस दिख रहा है पे पे दिख रहा है है ठीक तो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी क्योंकि रियल जीडीपी आपको रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है कंट्री में ये देता है नॉर्मल जीडीपी प्राइस टर्म्स में देता है ये सारी चीजें ओके okay? और जीडीपी डिफ्लेटर एक उसके रिगार्डिंग फिर कॉन्सेप्ट आता है आपका

सारे कंट्रीज के जो है ये जीडीपी वगैरह का डेटा कंपाइल किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है ओके okay? okay? तो okay? इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जिसको माना जाता है स्लॉद उसकी डेथ हुई है थर्टी सिक्सर मेल वॉज देयर और अनफॉर्चुनेटलीर्स डाइड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन ओके चलो तो ये न्यूज था

सॉर्ट ऑफ वाई मार्क लाइक जो है ऐसे आपको यहाँ चेस्ट में कहीं कही ना कहीं दिखता है कैसे स्टडी करना होता है उस स्पेसिस आप स्टडी कीजिएगा वो इम्पोर्टेंट होता है सेकेंड वॉट इज दबिटेट ऑफ दट स्पेसिस कहा जनरली कहा पाई जाती है ये आपको कौन तो मतलब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसको प्रोटेक्ट किया गया है लिस्ट में उसका स्टेटस क्या है ओके तो ये इस तरीके से तीन एस्पेक्ट्स हमेशा आपको इसी एस्पेक्ट में आपको स्टडी करनी होती है कोई भी स्पेसिसके तो फॉर एग्जाम्पल फीचर किस तरीके से होता है? ये नॉक्ट्रोनल होते में, में होते, होते मतलब ज़्यादा नहीं nocturnal होते नेचर में, रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं ओमनी वगैरह मतलब बोथ वेज नॉन वेज देट ओके फाइन नाउ बियर्स प्राइमरी इट टर्माइट्स एंड ओके

बढ़ के जाना चाहिए ओके okay, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ है हमारी और उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस वन आर्टिकल फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम तो रिसेंटली कैबिनेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर लॉन्चिंग ऑफ द पृथ्वी प्रोग्राम ओके okay, तो पृथ्वी प्रोग्राम याद रखना इसका नाम है वैसे पृथ्वी विज्ञान ओके okay, पृथ्वी विज्ञान तो इसको कंप्लीटली पृथ्वी प्रोग्राम एज़ सच नेम दिया गया है तो ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस काफकोर्स इसका मेन एम क्या है ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ तो क्या इससे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ मतलब क्या उसमें ओशन ऑब्जर्वेशन हो सकता है ओशन ऑब्जर्वेशन हो सकता है जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो सकता है

और रीच आउट और एक प्रोग्राम था ओके, okay. तो ऐसे फाइव प्रोग्राम जो है ओवरऑल के रिगार्डिंग दिस विल तो सारे फाइव प्रोग्राम्स मतलब सारे फाइव कॉम्पोनेट्स होते हैं अर्थ के अर्थ सिस्टम की तरह फाइव कॉम्पोनेट्स एटमोस्पियर होता है आपका हाइड्रोस्पियर होता है वाटर जियोस्पियर क्रायोस्पियर मतलब जहां ये बर्फ होती है

अब फ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे ओके और वो है इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम में देखो हमने काफी सारे आर्टिकल्स आपने पहले शायद पढ़ा होगा जो ओरल एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग होते हैं जैसे the, uh, okay. या फिर हम सोशल जस्टिस टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ हमारे काफी सारे फाउंडेशन कोर्सेस में ठीक है जीएसटू में तो उसमें हम सोशल जस्टिस से टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हेल्थ एजुकेशन ये डिटेल में हम पढ़ते हैं ठीक है लेकिन उसमें भी एजुकेशन में एक एस्पेक्ट जो होता okay. exam, मतलब है एग्जामिनेशन सिस्टम इस एग्जाम मतलब एजुकेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या सॉल्यूशंस स्कीम्स शायद है हमने कितनी बार पढ़ी होगी या पढ़, पढ़ते भी हम स्टैटिक्स टॉपिक में लेकिन उस एजुकेशन में एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म होना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में ही क्या प्रॉब्लम होते हैं okay. इसके बारे में एक्चुअली आर्टिकल है so

तो फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट इशू ही पॉइंट्स आउट इन द इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज मतलब उनका सबसे पहला तो यह कहना है कि किसी भी कंट्री की एग्जामिनेशन सिस्टम जो है यह अच्छी होना काफी इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन सिस्टम इट आपका पढ़ाई होता है हाउ डू यू स्टडी उस पर डिपेंड होता है ना किस तरीके का एग्जाम होगा उस तरीके का ही आपका पढ़ाई होगा थ्रू आउट द ईयर क्योंकि हम जनरली हमारे फोकस में एग्जाम ही होता है राइट right? फाइन तो अगर हमारा एग्जाम हमारी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं कर रहा है एग्जाम अगर बस हमारे मेमोरी पे इम्फोसिस कर रहा है जो इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल हो रहा है तो फिर क्या होगा आपका लर्निंग भी रोट लर्निंग होगा आप भी बस मग अप करने का ट्राई करोगे अंडरस्टैंडिंग पे कम इंपॉर्टेंस होगा और मगअप करने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा राइट right? तो बेसिकली बेसिकलीट्स वॉट इज सेम की एग्जामिनेशन सिस्टम जो है किसी भी कंट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम ओके आपका लर्निंग आउटकम आता है आपका स्टडी उसी तरीके से होता है ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज की इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि ये काफी मेमोरी बेस्ड है ओके फाइन एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए ये आपका हायर लर्निंग एबिलिटीज है आपकी स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज है क्रिटिकल थिंकिंग है ये सारा इसने एग्जाम करना चाहिए

ओके okay. तो लेकिन उन सब में एक फ्लॉ होता है कि काफी बार वो मेमोरी बेस्ड होती है ओके okay. सेकंड होता है कि काफी बार क्वेश्चन पेपर्स में एरर्स होते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में एरर होते हैं इरेवेंट क्वेश्चन होते हैं ओके okay. जो क्वेश्चन इतना रिलेवेंट नहीं है इरेवेंट क्वेश्चन होते हैं एरर्स होते हैं में ऐसे काफी सारी चीजें होती है ओके okay. तो ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम जो है इस एग्जामिनेशन सिस्टम में ही अबाउट ओके फिर इसी वजह से फिर क्या होता है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे वो इतने एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते है. Why? उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं है तो इसलिए अगर आप सिंपल एग्जाम्पल कोई आई टी कंपनी इन्फोसिस उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होता है उस इन्फोसिस में सॉरी आई टी कंपनी इन्फोसिस में अगर लेट से आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ओके okay, आपको जॉब चाहिए तो आपको उनकी खुद की देना है। बाकी सेपरेटली पढ़ना पड़ता है believe, okay, कि उनको कैसा में सब दिया तो अपनी तो उसमें फिर अलग कोचिंग स्टार्ट होते हैं तो ये सारे एक्चुअली इसमें इशूज होते हैं फाइन देन यहाँ देखो और क्या क्या इशूज होते हैं कि काफी बार एग्जामिनेशन सिस्टम में सीक्रेसी की जाती है कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से आप पेपर चेक करते हो किस तरीके से एग्जैक्टली exactly आप पेपर जो है सेट करते हो ये सारा सीक्रेट एक्चुअली प्रोसेस होता है ओके okay. तो पेपर यहां लिख करने के लिए नहीं कह रहा है है लेकिन वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसके रिगार्डिंग भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ओके okay. तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक ओर हमने प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम स्टेप कौन सी कौनसी है यहाँ पे सबसे पहले तो उनका कहना है कि ये सारे प्रोसेस का एग्जामिनेशन कैसे पेपर सेट होता है क्या इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ओके okay. मल्टीपल स्टेक होल्डर शुड बी फाइन फिर उसके बाद एग्जामिनेशन जो भी आपका होगा दैट uh, पे पे एग्जाम होने चाहिए थर्ड आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो फॉर दिस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते okay. टेक्नोलॉजी यूज करके स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट कर सकते हैं क्या है ओके okay. फोर्थ एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए कि कोई भी ओवरऑल जो होती है आपकी एजुकेशन कैसा होता है यूनिवर्सिटी में इसका ऑडिट तो होता है लेकिन स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन सिस्टम के एक्सटर्नल ऑडिट होने चाहिए ओके okay, फाइन उसमें देखना चाहिए कि ये क्वालिटी एग्जाम है इसमें सारे असेसमेंट कर रहा है स्टूडेंट के पर्सनैलिटी uh, के एस्पेक्ट्स का ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होना चाहिए दैट्स ऑथर इज ओके चलिए सो इसी के साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं ओके थैंक यू